नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो बच्चों को ट्रांजिट करते हैं जब हम या रिपीट करते हैं उसमें बच्चा शो नहीं होता। बहुत से लोगों ने कमेंट किया था इस वीडियो के लिए, तो चलिए इस सोल्यूशन को बताता हूं कैसे करना है। आपने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले क्या करना है, देखिए दो रीजन हो सकते हैं कि आपका बच्चा जो ट्रांजिट में नहीं आ रहा है। बच्चे कैसे ट्रांजिट करने हैं वो दूसरी वीडियो आप देख सकते हैं, या रिपीट कैसे करने हैं उस वीडियो में देख लीजिएगा। इसमें मैं सिर्फ प्रॉब्लम बताऊंगा कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं अगर बच्चा शो नहीं होता। चलिए MIS पे चलते हैं। अब देखिए दो ऑप्शन हो सकते हैं। आप जब ट्रांजिट पे गए, क्लास वगैरह सेलेक्ट किया, बच्चा शो नहीं हुआ आपको, ठीक है। जब शो नहीं होगा तो उसके दो रीजन है, हमें उस बच्चे का SRN ले लेना है। SRN लेने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले हमें व्यू स्टूडेंट प्रोफाइल पे जाना है। यहां पे बच्चे का SRN डाल करके ये चेक करना है कि बच्चा किस क्लास में शो हो रहा है हमारी, ठीक है। अगर तो आ जाता है फिर क्या करना, अगर यहां नहीं आता है तो वो उसका एडमिशन आपके स्कूल में हुआ ही नहीं है, ठीक है। उसका रीजन दो हो सकते हैं, हो सकता है बच्चे के दो SRN हो। अगर बच्चे के दो SRN है, आपने गलती से नोट डाउन जो किया हुआ है वो दूसरे वाला है और एडमिशन उसका किसी और SRN से हो रखा है, तब क्या करना है आपने, देखिए यहां पे आपको शो हो जाएगा किस क्लास में है, उस क्लास में आप डायरेक्ट जाके शो कर सकते हैं, कईयों की प्रॉब्लम यहीं से सॉल्व हो सकती है, ठीक है। अगर यहां पे शो नहीं होता है बच्चा, फिर क्या करना है आपने, फिर आपने जाना है यहां री एडमिशन के ऊपर, ठीक है। व्यू स्टूडेंट से आपको पता चल जाता है कि किस क्लास में है बच्चा, स्कूल में है या नहीं शो कर रहा है, या SRN तो गलत नहीं है या डबल SRN तो नहीं है, वो पता आपको चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? हो सकता है दोस्तों अगर पांचवी पास बच्चा है, दसवीं पास होके आया हो चुका है, तो आपको SLC जारी करनी पड़ेगी पहले उसकी, क्योंकि वो जो प्राइमरी स्कूल का MIS होगा वो अलग होगा और सेकेंडरी का जो MIS पोर्टल होगा वो अलग होगा। तो उस वहां से पहले उसको रिलीव करके फिर आपके पास यहाँ पे आएगा, फिर आप री एडमिशन में जाकर के उसका एडमिशन करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगली दिक्कत देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, री एडमिशन पे जाकर के उसका SRN भरना है। अब यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है आपके पास, या तो बच्चा आपकी स्कूल में एडमिट होगा, उसका एडमिशन आपके स्कूल में होगा या नहीं होगा। अब दोनों सिचुएशन को समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने इस बच्चे का डाल के सर्च किया, तो यहाँ पे बच्चे का स्कूल हमारा ही स्कूल आ गया, तो इसका एडमिशन था। लेकिन यहाँ पे रीजन देखिए, नेम अब्सेंट की वजह से कटा हुआ है इसका, ठीक है। तो इसका तो री एडमिशन से होगा, अगर आपके स्कूल से नाम कटा हुआ है या आपके स्कूल का स्टूडेंट नहीं है। अगर नहीं है तो यहाँ किसी और स्कूल का नाम आएगा, आपके स्कूल का नाम नहीं आएगा। इससे कन्फर्म हो जाएंगे कि बच्चा आपके स्कूल से नाम कट के जा चुका है या आपके स्कूल में आया नहीं है, दूसरे स्कूल में है। अगर दूसरे स्कूल में शो कर रहा है तो जो SRN आपने लिखा हुआ है वो गलत है, उस SRN को चेक कर लें। चेक कैसे करेंगे, फ्रेश एडमिशन में जब आप उसकी एंट्री डालेंगे, जब उसका आधार नंबर डालेंगे तो ऑलरेडी दिखा देगा कि ये आधार नंबर बच्चे का किसी और SRN से लिंक है। जिस SRN से लिंक है वो SRN आपने ले लेना है, वही SRN आपने एक बार एडमिशन करके उसको डीलिंक कर देना है अपने, और उसको रॉन्ग एडमिशन दिखा के उस स्टूडेंट को रिलीव कर देना है वहां से। रिलीव करने के बाद उसका आप पहले वाला जो SRN है उससे एडमिशन कर पाएंगे। अब चलिए ये तो था नाम कटा हुआ बच्चे का, फ्रेश एडमिशन में जाकर के री एडमिशन में जाकर के इसका एडमिशन हो जाएगा। एक और केस लेते हैं, अब ये बच्चा है, ये दिखा रहा है यू कांट री एडमिट अबाउट स्टूडेंट अबाउट स्टूडेंट, इस स्टूडेंट को आप दोबारा एडमिशन नहीं कर सकते, ये पहले से ही आपके स्कूल में है। तो यहाँ पे इसकी क्लास और सेक्शन आपको दिखा रहा होगा, वो क्लास और सेक्शन सेलेक्ट करके उसको आप कर सकते हैं। यहां से कंफर्म कर लेंगे आप, जब उसकी क्लास और सेक्शन दिखाएगा आपको कंफर्म हो जाएगा कि अगर गलती से रिपीट किसी दूसरी क्लास में हो चुका है या रिवर्स रिपीट हो चुका है, तो यहाँ पे वो सेक्शन और क्लास सेलेक्ट करके आप उस बच्चे का डाटा देख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि किस क्लास के किस सेक्शन में गलती से या बाय मिस हो आपसे रिपीट हो गया, वो रिवर्स हुआ है क्या हुआ है, वो आप चेक कर सकते हैं।